अपने काका यानी स्वर्गीय राजेश खन्ना फिल्मों में आने से पहले मध्य प्रदेश के लिए हॉकी खेला करते थे, फिर बाद में फिल्मों में आए और एक सुपरस्टार बन गए। तो ऐसे ही कई सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं, जिन्हें खेल से बहुत लगाव था और खेलों की दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो आज जानते हैं ऐसे ही पांच सितारों के बारे में जो फिल्मों में आने से पहले या फिल्मों में काम करते करते अपने राज्य या अपने देश का प्रतिनिधित्व किया। हेलो और नमस्ते दोस्तों, बाली बच्चन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे वो ना कि सिर्फ एक अच्छे अभिनेता है बल्कि एक अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं, और अभिनय के पहले या अभिनय करते करते उन्होंने खेलों की दुनिया में भी खूब नाम कमाया। तो इस कड़ी में जो पहला नाम मैं रखना चाहता हूं वो है रणदीप हुड्डा। रणदीप हुड्डा 2001 में फिल्मों में काम करना शुरू किया, और आपको मैं बता दूं कि रणदीप हुड्डा पोलो के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और उन्होंने कई पोलो की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और कई मेडल्स जीते। नंबर दो पर जिस अभिनेता का मैं नाम लूंगा वो तमिल के बहुत ही बड़े एक्टर हैं, थाला अजीत। थाला अजीत को रेसिंग का बहुत शौक था और फिल्मों में आने के बाद भी उन्होंने अपने इस शौक को बनाए रखा। लेट 90s में उनको एक इंजरी का सामना करना पड़ा और उन्हें करीब करीब 1.5 साल तक पूरी तरह बेड रेस्ट पर थे वो, और वो कुछ काम नहीं कर पाए। लेकिन उनकी दीवानगी अपने इस खेल के प्रति कम नहीं हुई और उन्होंने BMW रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, और इसके अलावा F1, F2, F3 इस तरह की प्रतियोगिता में भी हिस्सा लेते हैं। एक ऐसे इंडियन एक्टर है जिन्होंने BMW रेसिंग में हिस्सा लिया था और बहुत सारे प्रतियोगिताओं में मेडल्स भी जीते, क्योंकि थालाजी तब तक बहुत बड़े नाम हो चुका है फिल्मों में। तो उनको लगा कि अगर कुछ इंजरी होती है तो ऐसे डायरेक्टर्स को या प्रोड्यूसर को बहुत सारा बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, तो उन्होंने रेसिंग में हिस्सा लेना बंद कर दिया। तो अब अजीत पूरी तरह से फिल्मों में काम करते हैं। जॉन अब्राहम 1982 के वर्ल्ड कप को जब वे अपने पिता के साथ टेलीविजन पर देख रहे थे तो उनके मन में ऐसा आया था कि वे एक फुटबॉल के खिलाड़ी बने, और वे फुटबॉल खेलना शुरू किए और प्रोफेशनल ए लेवल पर उन्होंने इंडियन ए टीम में सेंटर फॉरवर्ड में जगह बनाई थी। करीब 2-3 साल उन्होंने खेला और फिर फिल्मों में पूरी तरह सक्रिय हो गए। राहुल बोस मुझे लगता है कि बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है जो अंडररेटेड है, काफी टैलेंटेड है। तक्षक में जब इनको लोगों ने देखा था तो शायद याद होगा कि अपनी एक्टिंग के बल पर उन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में ही अपना परिचय दे दिया था कि वह किस तरह के एक्टर हैं। राहुल बोस रग्बी के इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं और वे इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि रग्बी के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसे बहुत लंबे उम्र के बाद नहीं खेला जा सकता है, तो राहुल बोस ने 2006 में रग्बी से संन्यास ले लिया। साकिब सलीम, हवा हवाई फेम एक्टर साकिब सलीम 2012 में जब वो उन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म बनाई थी उसके पहले वे जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। उनकी बहन, शायद आप उनको जानते भी होंगे, हुमा कुरैशी है, वो भी फिल्मों में उससे पहले आ चुकी थी।
तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड जिसमें मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ एक्टर्स हैं जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली वीडियो में और इसी तरह कुछ खास फिल्मों के बारे में बातचीत करेंगे। मेरी कुछ पुरानी वीडियो को जो देखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन का लिंक में जाएँ और वहाँ लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करें और मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम है बॉली बच्चन। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।